बुढ़ल लोगो देखो, बुढ़ल लोगो देखो, बुढ़ल लोगो देखिए, बुढ़ल लोगो। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये व्लॉग है 6th जनवरी का, और 7th को लड्डू का बर्थडे था मेरी मौसी की जो लड़की है। तो बस 6th को सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, बारिश हुई थी अहमदाबाद में, तो ये मेरी बड़ी मामी फ़ोन पे बात कर रही है, और वो दूसरे सोफे पे जो मिकी माउस वाला ब्लैंकेट उड़ा हुआ है वो मेरी भाभी है। एक्चुअली वो स्कूल में सुबह मॉर्निंग में पढ़ाने जाती हैं, तो बस दोपहर में रेस्ट कर रही थी, और अभी बारिश गिर रही है तो हम लोग चाय पकौड़े का हम लोग थोड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आ जाइए हमारे साथ, आप भी चाय पकोड़े। क्या कर रही हो गुंजन दीदी? आप आलू प्याज छील के रख रही हो, फिर चॉपर में इसको स्लाइस करूंगी, और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है, और सबके लिए चाय और पकोड़े। बेसन के आलू प्याज के पकोड़े बना रहे, क्योंकि बाहर मौसम बारिश गिर रही है। और भी दिखा दो। ओ प्रज्ञा सॉरी, और भी दिखा दो। गाड़ी में चलने से मना कर। ये गाड़ी में कुछ नहीं चला। What is the difference between लड्डू और पेड़ा? अरे कोई बात नहीं, तो आठ रुपए पाना दिला। It means the same, but they are different. वो मुझे पहले गूगल करते उसके बाद बोलती है, तो कितनी बस लगती है। ना भाई सारी वीडियो खत्म कर जा बच्चों। भाभी वीडियो में आ रहे हो, देख लो भाभी। राम तुम आ रही हो, थोड़ा अच्छा मुंह बना लो। भाभी का रेले काम करते, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा सपना ये है कि जिया को चादर में बंद करके इतना मारू कि जिया लाल हो जाए पूरी। बंद करके मार खाएगी। ये वाले भतियों को क्या हुआ है, बेचारे जल गए। छोटे मस्त लग रहे दोनों। किसका इतना एक तीन बार इन्होंने ऑलिंपिक उस समय हाथ से खिलाती है ये भी देखी। हाँ अरे बाबा ये क्या है? इट्टी इसमें क्या है, डर मिक्स नहीं हो जाएगा सब? चावल तो बहुत बन गए यार। गैस से भरे होते ना तो ऊपर लगे। बुढ़ल लोगो देखो, बुढ़ल लोगो देखो, बुढ़ल लोगो देखिए, बुढ़ल लोगो। बस मैं खा रही हूँ अभी। ये देखो दूसरी बुढ़ल लोगो। बहन नहीं रही, यूट्यूब के लिए मेरा व्लॉग बना रही हूँ। अंधेरा अंधेरा रहता है ना आंटी, यहाँ पे एक होल्डर और लगाना पड़ेगा, लाइट अंधेरा रहता है। तो
गाइज इस तरीके से हम लोग ने लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ, लड्डू मेरी मौसी की लड़की है और जो मेरे भाई की शादी हुई थी वो भी मेरे मौसी का बेटा है। तो बस ये मेरी बहन की बर्थडे था तो बस हमने इस तरीके से, मेरे घर पे ही सब लोग थे तो हमने सोचा जिया का बर्थडे का डेकोरेशन भी था तो हमने लड्डू का बर्थडे यहाँ पर ही बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। आई होप आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर प्लीज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी चेंजेस लगेंगे आवाज़ में क्योंकि मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो गया है, तो इस वजह से। चलिए बाय, इन्जॉय द वीडियो।